Hi everyone, I'm Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 22 of chapter number 3, Playing with Numbers. Last part में हमने LCM की बात की थी और exercise 3.7 का question 1 solve किया था. इस part में हम 3.7 का question 2 और 3 solve करेंगे. So let's start now. Question 2 is, 3 boys step off together from the same spot, their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? So, इसमें क्या कह रहे हैं कि पहला boy एक step में 63 cm cover करता है, दूसरा boy 70 cm cover करता है और तीसरा 77 cm एक step में cover करता है. हमें find करना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी जो कि हर बॉय कवर करेगा और कंप्लीट स्टेप्स में कवर करेगा, राइट? सो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर इन स्टेप्स की वैल्यू को हम कुछ छोटी वैल्यू ले लें, सपोज पहला बॉय एक स्टेप में 2 सेंटीमीटर कवर करता है और दूसरा 3 सेंटीमीटर कवर करता है और तीसरा 4 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, राइट? सो यहाँ पे अगर जीरो होगा तो पहले बॉय के लिए ये 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब जब ये दूसरा स्टेप लेगा तो ये कहाँ पहुंचेगा? दूसरे स्टेप में ये 4 पे पहुंचेगा, तीसरे स्टेप में ये कहाँ पहुंचेगा? 6 पे पहुंचेगा और चौथे में 8 पे और एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा. 3 सेंटीमीटर वाले बॉय की बात करें अगर, तो ये 0 ही है और ये जो यहाँ पहुंचेगा फर्स्ट स्टेप में वो 3 हुआ, दूसरे स्टेप में ये 6 पे पहुंचेगा, थर्ड में 9 पे पहुंचेगा एंड सो ऑन. 4 सेंटीमीटर वाले के लिए ये 4 सेंटीमीटर है, राइट? और दूसरे स्टेप में 8 पे पहुंचेगा, तीसरे में 12 पे एंड सो ऑन. तो बेसिकली ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं बॉयज के द्वारा वो क्या हैं? उनके मल्टीपल्स हैं, नंबर्स के इन डिस्टेंसेस के मल्टीपल्स हैं. ओके, सो अगर मल्टीपल्स की बात करें, मल्टीपल्स ऑफ 2 कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड सो ऑन. ओके, तो बेसिकली ये जो मल्टीपल्स हैं ये क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट कंप्लीट स्टेप्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, कंप्लीट स्टेप्स. तो फर्स्ट कंप्लीट स्टेप में उसने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की, सेकंड कंप्लीट स्टेप में उसने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की, थर्ड कंप्लीट स्टेप में उसने 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की. यानी कि हर बार कंप्लीट स्टेप्स कब ले रहा है वो? जब वो 2 के मल्टीपल्स में डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है, राइट? इसी तरीके से दूसरा बॉय मल्टीपल्स ऑफ 3 में डिस्टेंसेस कवर करेगा, तो वो हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन, राइट? और तीसरा बॉय भी 4 के मल्टीपल्स में डिस्टेंसेस कवर करेगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. ओके, तो ये तो कंप्लीट स्टेप्स हो गए जो हर बॉय ले रहा है, 2 वाला बॉय भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी. अब अगर हमसे एक डिस्टेंस ऐसी पूछी जाती है कि जो इन तीनों ने कवर की है, ओके, तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो वो बेसिकली 2, 3, 4 के कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स जो कि तीनों ने कवर की होंगी. तो हम यह क्या देख सकते हैं कि 12 एक ऐसी डिस्टेंस है जो कि तीनों ने कवर की है, राइट? और 24 भी एक ऐसी डिस्टेंस है जो कि तीनों ने कवर की है. तो तीनों ने कौन कौन सी डिस्टेंसेस कवर की है वो क्या हो जाएंगे? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3, 4. 2, 3, 4 इज इक्वल्स टू 12 एंड 24 एंड सो ऑन. ओके, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे मल्टीपल्स में तो डिस्टेंसेस और भी मिलती जाएंगी और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे. तो ये वाली डिस्टेंस 12, 24 और आगे जो मिलेंगी वो ऐसी डिस्टेंसेस होंगी जो कि तीनों बॉयज ने कवर की है, उस पॉइंट को तीनों बॉयज ने क्रॉस किया है. और अगर बात की जाए मिनिमम डिस्टेंस की, तो इनमें मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? जो सबसे छोटी है, यानी कि ये वाली, ये 12, और ये बेसिकली क्या है? ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है. इसको हम क्या कह देते हैं?
LCM या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब ये जो डिस्टेंसेस हैं ये हमें क्या गिवन है, एक बार उनको लिख लेते हैं क्लियरली। तो ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट बॉय की 63 सेंटीमीटर, और दूसरे बॉय की हमें गिवन है 70 सेंटीमीटर, और तीसरे की 77 सेंटीमीटर। तो अगर हमें एक मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है ओके, जो कि ये तीनों कंप्लीट स्टेप्स में कवर करते हैं, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन तीनों का LCM फाइंड करना है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस देयर स्टेप्स मेजर रिस्पेक्टिवली 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, राइट, एंड द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा आपको, LCM ऑफ 63, 70 एंड 77। यही हमने अभी डिस्कस किया ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस वो हो जाएगी जो तीनों का LCM होगा। तो अब हमने LCM इनका कैलकुलेट किया, LCM कैलकुलेट हमें करना है तीनों नंबर्स का, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया साथ में, तो क्या मिलेगा हमें LCM, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11, और वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 3 = 6, 3 = 18, 5 = 90। 90 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 9 = 63, राइट, तो 630 हो जाएगा, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630, और 630 वैल्यू हो जाएगी 03696, यानी कि वैल्यू हो गई 6930। इतनी जो डिस्टेंस है वो तीनों बॉयज कवर करेंगे, और ये एक मिनिमम डिस्टेंस होगी जो कि ये कंप्लीट स्टेप्स में कवर करेंगे, राइट, तो वैल्यू मिल गई हमें 6930 सेंटीमीटर। देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड दैट ईच बॉय शुड कवर इज इक्वल्स टू 6930 सेंटीमीटर। ओके जी, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 6930 सेंटीमीटर। सो इतनी डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप्स में तीनों बॉयज कवर करेंगे, और ये एक मिनिमम डिस्टेंस होगी जो तीनों कवर करेंगे, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly. Okay, so हमें क्या given है? Room की length given है 825 centimeter. Okay, so अगर ये एक room है तो इसकी length हो गई 825 centimeter. Breadth क्या given है? 675 centimeter. तो breadth हो जाएगी 675 centimeter. Right? और height क्या given है? 450 centimeter. 450 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें इस रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। हमें क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट टेप फाइंड करना है जो कि इन तीनों डायमेंशंस को, इन तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर सके। सो ये एक टेप है जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, और ये लेंथ कैसी होनी चाहिए, ये लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि ये एक तो लॉन्गेस्ट हो, और दूसरा इन तीनों लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को एग्जैक्टली मेजर करे। एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जैक्टली का मतलब वो जो लेंथ होगी टेप की वो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी, राइट, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगी, यानी कि हमें क्या चाहिए, इन तीनों का कॉमन फैक्टर चाहिए, राइट, कॉमन फैक्टर ही एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इस तरीके की हमें लेंथ चाहिए, लेकिन वो जो कॉमन फैक्टर है अब हमें कैसा चाहिए, लॉन्गेस्ट भी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कहिए या हाईएस्ट कहिए एक ही बात है, यानी कि हाईएस्ट लेंथ का टेप हमें चाहिए जो कि इन तीनों लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एससीएफ ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। Since the length, breadth and height of the room are 825 cm, 675 cm, 450 cm and
The longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly is equals to HCF of 825, 675 and 450. तो ये अब हमें समझ में आता है कि जो longest tape होगा, जो इन तीनों dimensions को exactly divide करेगा, basically वो क्या होगा? इन तीनों dimensions का HCF हो जाएगा. और HCF कैसे find करते हैं? इन तीनों का पहले prime factorization किया हमने. तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हुआ? 825 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, 675 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट? अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? जो प्राइम नंबर्स इन तीनों के फैक्टर्स हैं, राइट, तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं. तो 3 तीनों में कॉमन है, 5 भी तीनों में कॉमन है, राइट, और एक और 5 है जो कॉमन है. अब इसके अलावा कोई और कॉमन प्राइम नंबर्स तीनों में नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 5, और एचसीएफ हो गया 3 5 जो 15, 5 जो 75. ये जो 75 है, ये बेसिकली ये टेप की लेंथ है जो कि तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी या एग्जैक्टली मेजर करेगी, राइट? सो देयरफॉर लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट टेप इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर, राइट? सो आंसर हमारा मिल गया हमें 75 सेंटीमीटर. दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर अभी भी कोई डाउट है क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 3 में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस की, एलसीएम की, एचसीएफ की प्रैक्टिस करते रहिए. खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, बाय बाय.